तो आज फाइनली मैं वैक्सीन लेने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि मेरे काफी सारे जाने वाले ना मेरे पीछे पड़ गए थे कि निधि जा ट्रैवल नहीं करना क्या, क्योंकि फिर सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा अगर मैं इंडिया के बाहर जाती हूँ। तो इसलिए मैं फाइनली जा ही रही हूँ वैक्सीन के लिए। और मैंने जब देखा ना साइट पर तो कहीं पर भी फ्री वाला मुझे मिल नहीं रहा था, तो इसलिए मैं पेड वाला लगवा रही हूँ। और अभी मैंने कोविशील्ड का स्लॉट बुक करा है, वहाँ पर जाकर देखती हूँ क्या कैसे। तो अभी जस्ट मैं यहाँ पर पहुँची हूँ, तो वैक्सीन के लिए ना इन्होंने अलग से ये एरिया बना रखा है मेरे ख्याल से, क्योंकि पार्किंग वगैरह है, तो यहाँ पे वैक्सीन लग रही है और अपॉइंटमेंट लेना ज़रूरी नहीं था। तो जिनकी भी पेड है ना, जो पैसे देकर अपना स्लॉट बुक कर रहे हैं, मतलब स्लॉट बुक करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आकर ही बस मैंने पे करा, आईडी दिखाई और बस लगवा रही हूँ। तो मैंने कोविशील्ड की ली है और इसका प्राइस है 780। तो ये मेरा फर्स्ट शॉट है और अब मैं जा रही हूँ लगवाने की। कुछ खाना पीना इसके बाद? खाने पीने में जो मर्जी था, एक्सरसाइज नहीं करनी। क्या एक हफ्ता अल्कोहल नहीं लेना? एक हफ्ते अल्कोहल नहीं लेना, एक्सरसाइज नहीं करनी। थोड़ी देर के लिए ना इन्होंने बैठने के लिए बोला है, तो मैं अभी यहाँ पे 15 मिनट के लिए बैठूंगी, उसके बाद ही जाऊँगी। और पेन मतलब मुझे इंजेक्शन का ना दर्द वैसे ही नहीं होता है, क्योंकि इतने सारे वैसे मैंने टाटू करवा रखे हैं ना, तो सुई का दर्द पता ही नहीं चलता है। और लगवाने के बाद जैसे मतलब फील हो रहा है कि कुछ लगा है, पर मेरे लिए ये टॉलरेबल है। कई लोग जैसे इंजेक्शन से बहुत ज़्यादा डरते हैं ना, तो मुझे डर नहीं लगता है, तो डर थोड़ा सा है पर ना के बराबर वाला है। अच्छा, मैं वैक्सीन लगा के घर आ गई हूँ और मुझे कितना टाइम हो गया, अराउंड 1 घंटा हो गया वैक्सीन लगवाए हुए। और दर्द मुझे कुछ ऐसा मतलब हाथ पे तो हो ही रहा है, आर्म्स पे जहाँ पे लगा था तो वहाँ पे दर्द थोड़ा सा है, और चक्कर वगैरह नहीं आए। सर में ना कुछ सेकंड्स के लिए मुझे दर्द हुआ था, जैसे यहाँ पर उठा 2 सेकंड के लिए, फिर यहाँ पर उठा जब मैं वहीं पर थी ना सेंटर पे, तो दर्द थोड़ा सा उठा था कुछ सेकंड्स के लिए, फिर ठीक हो गया। और अभी जब मैं घर आई तो नायरा जिद करने लगी कि उसको फ्रूटी चाहिए, क्योंकि उसने मुझे बोला हुआ था फ्रूटी लाने के लिए, पर मैं नहीं लाई। तो अब हम जा रहे हैं क्या लेने, फ्रूटी और चिप्स लाने। हाँ, अब मैं पापा को बेहतरीन किंडर जॉय लाने बोल रही हूँ। अच्छा, किंडर जॉय क्यों खाती हो आप इतना? मैं कल के खाई हूँ, अच्छा भी नहीं लगता है खाने में। बहुत होता है उसमें, बिल्कुल गंदा होता है, और उसमें वाइट कलर का क्रीम होता है, खा के लेते हैं। अच्छा अच्छा, तो बाकी की अपडेट्स ना मैं आपको थोड़ी देर के बाद देती हूँ कि रात में क्या होता है। तो अभी 24 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, और रात में पता है क्या हुआ था, जिस दिन मुझे इंजेक्शन लगा, कल लगा था, तो उसकी रात को मुझे काफ़ी ज़्यादा बॉडी पेन हो रहा था, पर वैसा नहीं था जितना लोगों ने मुझे डराया था। तो थोड़ा बॉडी पेन था जैसा फीवर में होता है, और थोड़ी सी मुझे गैस हो रही थी, ऐसा लग रहा था वॉमिटिंग हो जाएगी, बार बार ऐसा लग रहा था अनईजी, सांस होने में दिक्कत हो रही थी, पर ठीक था, मतलब फीवर नहीं आया। बट सुबह में मुझे ऐसा लग रहा था कि फिर और बॉडी पेन हो रहा है फीवर वाला, और टेस्ट जो आता है ना ऐसे कड़वा सा टेस्ट हो जाता है, बिटर टेस्ट आने लगता है, तो वो अभी भी ऐसे हो रहा है मेरे मुँह में, मुझे ऐसा लग रहा है। और बॉडी पेन काफ़ी ज़्यादा था सुबह में, अभी थोड़ा सा कम हुआ है, मैंने खिचड़ी खाई थी गरम गरम, तो मुझे अभी थोड़ा सा ठीक लग रहा है, पर टेस्ट है ही अभी ऐसे कड़वा सा आ रहा है। और यहाँ पर ना मेरे ऐसे निशान हो गया है, ये आपको दिख रहा है यहाँ, ये तो ये निशान अभी तक है ही, दर्द भी है, और हाथ उठाने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत, अभी पहले से नहीं, पहले से बेटर है, इतना हो रहा है पर पेन हो रहा है। इतना मैं कर भी रही हूँ ना, तो जहाँ पर मुझे इंजेक्शन लगा था तो उधर दर्द हो रहा है, और शाम में तो मेरा सिर्फ इतना ही उठ रहा था। तो ठीक है, आज मतलब बेटर लग रहा है, अभी बेटर लग रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको एक अपडेट दे दूं। दिन में थोड़ा सा ऐसे लग रहा था, बट अभी काफ़ी ज़्यादा बेटर लग रहा है, तो होपफुली कल परसों तक बिल्कुल ठीक हो जाए। अच्छा, तो आज वेंसडे है, वैक्सीन को 3 दिन हो गए, मैंने सैटरडे को लगवाया था, एंड आई एम फीलिंग परफेक्टली फाइन, सब कुछ ठीक है, इसलिए मैं बाहर जा रही हूँ, मैं खान मार्केट जा रही हूँ, आई हैव टू मीट अ फ्रेंड, और ऐसे ही थोड़ा सा घूमना खाना वगैरह देखती हूँ, और पता नहीं, पर मेरे ना फ्रेंड्स कैमरा पे आना नहीं चाहते हैं, तो इसलिए शायद देखो मैं रिकॉर्ड कर पाती हूँ कि नहीं, लेट्स सी। अब तुम इसको इस पे करो, 0.5 पे करो, अब देखना फोटो काली हो गई, वीडियो काली हो गई, थोड़ी देख लिया और काली हो गई, ये को आईफोन ही गड़बड़ है कुछ, फोटो काली, इंसान रेसिस दे
मार्केट से वापस आ गई हूँ और अभी घर आते ही रात हो रही है, अराउंड 11:30 हो रहे हैं और मुझे अपने घर के ऊपर आना पड़ा बिकॉज मेरी फ्रेंड है स्मिता, शी इज़ माई नेबर, तो इनको कुछ वीडियो रिकॉर्ड कराना था, सो आई एम हियर टू हेल्प हर। तो मुझे ना, मुझे भी जानना है थोड़ा सा, सबको भी थोड़ा सा बताना है कि व्हाट यू डू, एनजीओ किस चीज़ का है। थैंक यू सो मच निधि, आपने ये सोचा। आई रन एन एनजीओ, अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। वी आर अ टीम ऑफ अबाउट 100 वॉलंटियर्स। हमने पिछले साल लॉकडाउन के बाद ये विटनेस किया कि जो बच्चे हैं, जो बस्ती के बच्चे हैं, वो उनका पढ़ाई छूट रहा था क्योंकि उनके पास गैजेट्स नहीं था। तो हमने बस 5 बच्चों से शुरुआत की। हमारे जो पुराने गैजेट्स थे, पुराने यूज्ड फ़ोन्स, यूज्ड आईपैड्स, पुराने जनरेशन आईपैड्स, उसको कलेक्ट करके हमने 5 बच्चों को, अच्छे अच्छे बच्चे जो हमको जानते थे, हमारे एनजीओ के तरफ साथ कनेक्टेड थे, उनको हमने गैजेट्स दे के उनका क्लासेस शुरू किया। और एक से दूसरे, दूसरे से तीसरा, फिर लोग जुड़ते गए, लोग जुड़ते गए। तो लोग वॉलंटियर भी कर सकते, जैसे मेरे भी यहाँ पर काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स हैं, दे आर स्टूडेंट्स या कोई अनएम्प्लॉयड भी है, तो वो लोग भी वॉलंटियर इसमें कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। एंड देर आर वुमेन्स, दे आर नॉट वर्किंग, दे वॉन्ट टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, इवन दे कैन ज्वाइन दिस। यस, सो वी डू हैव, आई जस्ट फिनिश विद दिस प्रोजेक्ट, टेलिंग यू अबाउट दिस प्रोजेक्ट। तो आज क्या है कि हमारे पास 200 बच्चे से ज़्यादा है जो पूरे भारतवर्ष से, और हमारे पास वॉलंटियर्स है जो अक्रॉस द वर्ल्ड से पढ़ा रहे हैं, डिफेंस क्लासेस, आर्ट, डांस, म्यूजिक, एकेडमिक्स सारे में। एक बच्चा पिछले साल टर्मिनेटेड हो गया था स्कूल से, उसको बाहर निकाल बाहर कर दिया गया था। तो वो बच्चा को हमने स्कूल टीचर से बात करके, प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट करके, हमने उनको रीइंस्टेट किया स्कूल में। फिर उसके बाद इस साल, एक साल तक वो हमारे साथ पढ़ते रहे, कोचिंग क्लासेस लेते रहे ऑनलाइन, सिर्फ ऑनलाइन, क्योंकि उसको हमने गैजेट दिया हुआ। फिर आज लास्ट टू लास्ट वीक उनका मार्कशीट आया, तो वो साइंस एंड मैथ्स में टॉपर है क्लास में। तो आई थिंक दैट दिस सक्सेस स्टोरी रियली टच्ड हार्ट्स फॉर एवरीबॉडी। एंड आप पूछ रहे थे कि कैसे कोई ज्वाइन कैसे कर सकता है, इफ समबडी वांट्स टू ज्वाइन। श्योर, वेबसाइट देखिए, www.people.com। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, अगर आप लोगों को ज्वाइन करना होगा इनका एनजीओ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, वॉलंटियर कर सकते हैं, एंड यू विल आल्सो गेट अ सर्टिफिकेट। तो आज जन्माष्टमी है और उसके लिए ना मैं एक वीडियो कर रही हूँ आज, गेट रेडी विद मी, बिकॉज शाम में सत्संग है, कुछ प्रोग्राम भी है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा मेकअप मुझे करना है, और शाम को जो प्रोग्राम है तो थोड़ा रेडी हो गया, मुझे जाना होगा, सो आई डोंट हैव एनी वीडियो टू अपलोड टुडे, सो गेट रेडी विद मी सबसे बेस्ट रहता है। नील डजंट लाइक टू कम इन फ्रंट ऑफ कैमरा, ही इज वेरी कैमरा शाय, व्हेनेवर आई ट्राई टू रिकॉर्ड अ वीडियो विद हिम ही जस्ट गोज अवे। नील, लुक हियर, हु इज दिस, कौन है ये, कौन है, कौन है ये, कौन है ये? अच्छा, मैं रेडी तो हो गई थी पर मैं वीडियो एडिट कर रही थी जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, तो ऑलरेडी 6:15 हो रहे हैं, इसलिए मुझे जाना भी है, 6 से 7 का टाइम था, तो पंचुअलिटी मुझे ठीक लगती है, टाइम से जाना चाहिए, और अभी मैं जा रही हूँ, आने के बाद मैं फिर से ये एडिट करूँगी और उसके बाद मैं अपलोड पर लगाऊंगी, हो जाए, मतलब मैं आज ही लगाना चाहती हूँ। आजा बलराम के भैया, आजा बलराम के
सत्संग से आ गई थी, काफी अच्छा हुआ। मतलब लास्ट ईयर भी हमने जन्माष्टमी नहीं मनाई थी और मंदिर का मैं सोच रही थी कि कुछ होगा, पर पुलिस है यहाँ पर तो एंट्री वगैरह का थोड़ा सा ऐसे इशू है कि आप सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए या एक दो मिनट के लिए ही, 30 सेकंड 60 सेकंड्स के लिए ही दर्शन कर सकते हैं और फिर आपको निकलना है। भीड़ वगैरह इकट्ठी नहीं होनी चाहिए तो कोविड की वजह से। तो खैर कोई बात नहीं, सत्संग हो गया ना अच्छे से, वहां पर मैंने गाया भी, अपने शायद क्लिप्स देखी होगी। और क्या, अभी मैंने बस पूजा करी, घर आके पूजा, मेडिटेशन, चैंटिंग करी और मुझे वीडियो एडिट करनी है। मैं आज की ना वीडियो लगा नहीं पाई, मुझे लग रहा था कि ये जन्माष्टमी का जो लुक मुझे लगाना था तो वो आज हो जाएगा, बट फिर मैं चली गई वहाँ पर, वो भी ज़रूरी था। मेरा काफ़ी मन था आज पूजा करने का, गाने का मन था, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये सब हुआ नहीं था तो अच्छा लगा करके। और अभी मैं क्या करूँगी, अभी मैं काम करूँगी, वीडियो एडिट करने के लिए मैं जा रही हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते। अभी अराउंड 12:30 हो रहे हैं, मैं थोड़ी देर के लिए मंदिर गई थी क्योंकि मैंने देखा कि लाइट्स वगैरह चल रही है, कुछ लोग भी थे वहाँ पर, तो 15-20 लोग थे, कम ही लोग थे, मतलब ऐसे कुछ ग्रैंड तो नहीं हुआ, पर आरती करी, कुछ हमने गाने गाए तो अच्छा लगा, प्रसाद लिया और घर आ गई। मतलब थोड़ी देर के लिए ही, आधे घंटे के लिए वहाँ पर मैं थी, या शायद 20 मिनट के लिए, मैं 12 बजे गई थी एंड आ गई थी 12:20 तक मैं आ गई थी, तो 20 मिनट के लिए, और अच्छा लगा जाकर, क्योंकि लास्ट ईयर भी कुछ नहीं किया था जन्माष्टमी पर, तो इस बार सत्संग भी हो गया, मंदिर भी हुआ है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और बस मुझे लगता है इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करना चाहिए। आप लोगों को देखने में मज़ा आएगा ना, तो लाइक शेयर कमेंट सब कुछ करना, और अगर और भी व्लॉग्स देखने होंगे तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। चलिए, अपना ध्यान रखिए, जय श्री कृष्ण, बाय।